खबर जनपद चमोली से है, जहां मोहन खाल कानातोली चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता का आज 6वें दिन भी क्रमिक धरना जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके आगे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सड़क का शासन आदेश जल्द ही जारी नहीं करती है तो आगे के लिए और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। आंदोलन को लेके आज यहाँ पे हमें 6 दिन हो गए बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए 6 दिन हो गए हैं। हमें कहीं से भी प्रशासन द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं आया है कि कुछ भी इसकी जो आगे की वो होगा कि आप हमारे तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। हमें कहीं से भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं आया है, इसलिए हम आज हमें 6वें दिन हो गया है। 6वें दिन ही नहीं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और पूरे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। पूरा रुद्रप्रयाग जिला चमोली जिले के पूरी क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। और जो आंदोलन है ये क्षेत्र हित में है, रोजगार परक आंदोलन है और ये जनता की उचित मांग है। आपको ज्ञात हो कि ये जो 12-13 किलोमीटर पहले ये सड़क बनी हुई है उसका कंसेप्ट वही था कि अब मोहन खाल से चोपता तुंगनाथ जाए और इस रोड बनने से ये पर्यटन सर्किट कार्तिक स्वामी चोपता तुंगनाथ मिल जाएगा। देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए उनका तो समय खर्चा सब बचेगा, लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं, जो क्षेत्रीय मेरे देखने में हजारों लोगों को रोजगार